भगवान सुखदेव के द्वारा गाई गई है जो सुख कथा है, जो भागवती कथा है, यह प्राप्त हो रही है। तो हजार सुमेध यज्ञ कर लो, वाजपेय 100 यज्ञ कर लो, इनके द्वारा जो पुण्य अर्जन होगा वो 16वां अंश भी नहीं है। ऐसी है भागवत। हम आपको क्या बताएं, न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयाग कम। खूब तीर्थों का सेवन कर लिया जाए, उससे जो पुण्य होगा, जो मति गति प्राप्त होगी, श्रीमद् भागवत के आगे वह कुछ भी नहीं है। क्योंकि सब तीर्थों का सेवन पुण्य देगा और भागवत का सेवन पुण्य श्लोक भगवान को दे देगा। ये भगवान को प्रदान कराने वाला ग्रंथ। हम आपसे पूछते हैं, काम करके धन कमाओ, तो एक धन है और एक धनवान है, तो धन कमाना बड़ी बात है या धनवान कमा लेना बड़ी बात है? धन कमाओगे तो सीमा में कमाओगे, लेकिन धनवान ही आपका हो गया तो सब कुछ आपका हो गया। तो पुण्य कमाना और पुण्य से पुण्य श्लोक भगवान को कमाना, ये बड़ी बात है। भागवत पुण्य श्लोक भगवान को प्रदान कर देते हैं, अद्भुत ग्रंथ है। श्री सुखदेव ने कहा, श्री शनकादिकों ने कहा, महाराज जो भारत में जन्मा है, मनुष्य जन्म लेके जन्मा है, और उसने भारत में जन्म लेने के बाद यदि भागवत की कथा का आश्रय नहीं लिया तो उसके जन्म का उद्देश्य केवल क्या था? अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देना, बस। आ जन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्च खरवद वद तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाज। केवल उसने अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही जन्म लिया है, कोई उद्देश्य नहीं है। दो पैर होते हुए भी चार पैर वाला पशु ही है,